डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। मेरा ये मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 2025 में जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो उस तैयारी में आप अपना परफेक्ट स्कोर जो आपके लिए बेस्ट लाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपनी प्लानिंग को बड़ी परफेक्ट करें, और प्लानिंग परफेक्ट करने के साथ साथ में उस पर एजुकेशन पर भी तुरंत लग जाएँ। तो राइट नाउ इसी अक्टूबर इज एंडिंग एंड यू नो कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में हमारा जेई मेन का फर्स्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में सेकेंड अटैम्प्ट है। तो फॉर दिस राइट नाउ यू आर हैविंग अराउंड यू कैन से 3 months फॉर जेई मेन जनवरी अटैम्प्ट एंड अराउंड 6 months फॉर अप्रैल अटैम्प्ट। अब आपके पास जो 2 महीने ये बचेंगे नवंबर और दिसंबर को, सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि अभी तक आपका लेवल क्या है। मोस्ट प्रोबेबली आप जहाँ पर भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिटजी में कर रहे हैं या आउटसाइड कर रहे हैं, आपका सिलेबस लगभग एंड को होगा क्लास ट्वेल्थ का, और आपको सबसे पहले ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि जेई मेन का सिलेबस क्या है और बोर्ड का सिलेबस क्या है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस इन जेई मेन एंड जेई एडवांस सिलेबस। यू नो कि लास्ट ईयर से या उससे पहले कोविड से भी जेई मेन के सिलेबस को CBSE के NCERT के सिलेबस के साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है, और रफली ये प्रीवियस सिलेबस जो कोविड से पहले का था लगभग 70% सिलेबस है। तो देयर इज वन पॉजिटिव चांस फॉर यू कि जेई मेन में स्कोर अच्छा किया जा सकता है, लेकिन आपकी प्लानिंग जब तक परफेक्ट नहीं होगी और उसका एजुकेशन परफेक्ट नहीं होगा और आप हाइपोथेटिकली मार्क्स के लिए चेंज करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखें कि सिलेबस कितना है। सेकेंड हम ये देखें कि लगभग 50% पोर्शन ऑफ जेई मेन बेसिक फंडामेंटल NCERT बेस्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, इवन मैथमेटिक्स भी 50% इज डूएबल। पर हम कई बार ये मिस्टेक करते हैं कि हम सब कुछ करना चाहते हैं और उस पूरी प्रोसेस में नाम पूरा पेपर सॉल्व कर पाते हैं और फंडामेंटल्स का रिवीजन नहीं कर पाते। तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले जो 50% पोर्शन आप अचीव कर सकते हो उस पर फोकस करें। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में आप अपने बेसिक फंडामेंटल्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक फार्मूले को कैसे याद रखेंगे, इस पर वर्क करें। केमिस्ट्री में यू नो कि NCERT इज वेरी मच क्रूशियल, और एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि 20% 30% मार्क्स NCERT से डायरेक्ट आते हैं, और यहाँ पर हमारा फास्ट रिवीजन और प्रॉपर मोटिवेशन बड़ा वर्क करता है कि फास्ट रिवीजन हम कैसे करें। तो यू डिवाइड योर टोटल सिलेबस इन 3 parts, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और देखिए कि ऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शंस हैं उनको हम फास्ट रिवीजन कैसे रख सकते हैं। एटलीस्ट 30 minutes का डेली टारगेट रखिए, जिसमें आप अपने चैप्टर को, एक चैप्टर आप डिवाइड कर लीजिए कि मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हाइड्रोकार्बन करना है या एल्काइल हैलाइड करना है या एल्कोहल ईथर फिनोल करना है। एक चैप्टर आप डिसाइड कर लीजिए और उस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करिए, सारी रिएक्शंस को विद इन 30 minutes, और इस प्रैक्टिस को लगातार बनाए रखिए। तो अगर आप लगातार 2 महीने ये करेंगे, आप मान लेते हैं टारगेट आप रखिए कि ये पूरी प्रोसेस 30 minutes ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, 30 minutes फिजिकल केमिस्ट्री को, और एटलीस्ट 20 minutes इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेली केवल फास्ट रिवीजन के लिए देंगे, सो दैट यू कैन इंश्योर कि 50% जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस और फार्मूला बेस और इक्वेशन बेस, रिएक्शन बेस, उसमें आप परफेक्शन की तरफ चले जाएं। रिमेनिंग 50% पार्ट में, जहां पर आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी हो सकता है, वहां पर आप करिए कि आपके पास में देखिए JEE 24, JEE Main 24, JEE Main 23, 22, 21, अगर ये 4 साल के भी, और 4 साल को छोड़ दीजिए आप, 23, 22, 21 के जो चैप्टर वाइज पेपर्स आप ले लीजिए और इनसे आप सारे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करिए। आपका जो स्टडी पैकेज है उसमें देख लीजिए कि जेई मेन टाइप के कितने क्वेश्चन हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करिए। तो नेक्स्ट 50 डेज में आप टारगेट रखिए कि कम से कम 3 साल के पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। अगर आप इतना काम भी कर लेते हैं, और ये काम आप सब में करिए, फिजिक्स में भी करिए, मैथ्स में भी करिए, कि 30 minutes आप डिवाइड करके रखिए, तो अगर आप मान लेते हैं कि 90 minutes केमिस्ट्री में, 90 minutes फिजिक्स में, और 90 minutes मैथमेटिक्स में केवल आप अपने फास्ट रिवीजन पे फोकस रखते हैं, ताकि एक टॉपिक आपका, एक चैप्टर आपका डेली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में रिवाइज हो रहा है, और वो भी 3 parts में डिवाइड हो रहा है, तो ये 90 minutes करके आपके जितना टाइम होता है, इसमें आपके लगभग 2 से 3 topics डेली आपके रिवाइज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट 50 डेज में आप 2-3 times अपना पूरा रिवीजन कर पाएंगे, और ये रिवीजन आपको हेल्प करेगा अपने फंडामेंटल्स को अच्छा करने का। और बाकी टाइम मान लेते हैं आपके लगभग 5 hours इस पूरी प्रोसेस में चले गए, रिमेनिंग 4 to 5 hours आप दीजिए PYQs लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने में। तो अगर आप 50 डेज में ये सारा काम करते रहेंगे, तो पक्का है कि नेक्स्ट 50 डेज में आप वो सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे।
रिमेनिंग लास्ट वन मंथ, यू कैन से कि फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, आप इन सब रिवीजन का टाइमिंग 60% 70% कर दीजिए और 30% टाइम आप डायरेक्ट पेपर को अटेम्प्ट करने में लगाइए। एटलीस्ट अल्टरनेट डे पे आप एक पेपर या डेली एक पेपर अटेम्प्ट करिए। पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में उसका पूरा एनालिसिस करिए। वो एनालिसिस आपको हेल्प करेगा टू सी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उस एनालिसिस में आप मार्क्स पर ज़्यादा फोकस मत करिए, मार्क्स के बाद आप ये फोकस करिए कि जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि आपके नॉलेज की भी कमी है तो हमको रिवीजन करना है, अगर हमने कोई सिली मिस्टेक कर दी है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है तो हमें प्रिकॉशन रखना है कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट पेपर में जब देख रहे हैं तो सिली मिस्टेक्स पर ज़्यादा फोकस करें। अगर हम पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम हमारी स्पीड पर काम करेंगे। अगर हम कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे 3 घंटे तो हमारे हम मेडिटेशन करेंगे, कुछ योगा पे वर्क करेंगे, तो हम एग्जैक्टली करना क्या है वो हमारा रोड मैप क्लियर होगा। और अगर अब ये सब काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे स्कोर में नेक्स्ट हम 3 मंथ्स में एटलीस्ट आप ये मान लीजिए कि अभी आप 100 स्कोर कर रहे हैं तो 150 स्कोर कर लेंगे, अगर आप अभी 125 स्कोर कर रहे हैं तो 180 स्कोर कर लेंगे, 150 स्कोर कर रहे हैं 200 कर लेंगे, 200 स्कोर कर रहे हैं 250 कर लेंगे। तो दिस इज ऑल स्ट्रेटेजी फॉर दोज हु हैव जस्ट डन देयर सिलेबस और अभी तक उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस अर्लियर और प्रैक्टिस कर ली है और पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो रहा है तो फास्ट रिवीजन के टाइमिंग को वो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, 1 घंटा फिजिक्स में, 1 घंटा मैथ्स में, 1 घंटा फिजिक्स में और 1 घंटा मैथ्स में, बाकी टाइम को वो लगा सकते हैं जेई एडवांस की प्रैक्टिस करने में और कुछ पेपर जेई एडवांस के अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली जेई मेन के भी फुल सिलेबस पेपर वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, AITS अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो एनालिसिस वाले पार्ट को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं और एक मिक्स अप्रोच रख सकते हैं जेई मेन और जेई एडवांस की। पर अभी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी जेई मेन की प्रिपरेशन के लिए ही ज़्यादा टाइम चाहिए, तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट राइट नाउ जो कि जेई मेन की स्पेशल फोकस करके तैयारी कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर जेई एडवांस स्टूडेंट्स आल्सो। थैंक यू।